एवरीवन, दिस इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है शॉपिंग हॉल। कुछ चीज़ें मैंने रिसेंटली परचेज की है फर्स्ट क्राई से, तो वही मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड मोस्टली सारी चीज़ें मैंने डिस्काउंट में परचेज की है। कुछ आइटम्स हैं जो मैंने 50% ऑफ में मिली है एंड कुछ आइटम्स हैं जो मुझे ना 42 उतना डिस्काउंट मिला है। तो मोस्टली आइटम 40 से लेकर 50% तक ऑफ है, तो वही सारी चीज़ें मतलब मैं हमेशा डिस्काउंट में ही परचेस करती हूँ। कुछ अगर आपको भी डिस्काउंट में परचेस करना है ना, तो 50% ऑफ वाली कूपन सारी प्रोडक्ट्स में नहीं चलती। अगर वो कूपन नहीं अप्लाई होती ना कुछ प्रोडक्ट्स में, तो एक कूपन आती है लाइक 1499 के परचेज करोगे ना, तो उसमें कुछ 650 ऑफ मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 42 से लेकर 43 तक ऑफ मिल जाएगा। तो वो कूपन मैं अप्लाई कर देती हूँ और वो मोस्टली सारी चीज़ों पे चल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम से। फर्स्ट आइटम है ये है ओरल बी का और टूथब्रश। ये अगर लोकल स्टोर से अगर परचेस करोगे ना, तो आई थिंक 20 का या 25 का एक आता है। ये पूरा सेट है, ये तीन है एक के अंदर। तो एक तो अभी यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है। ये 2+ ईयर्स बच्चे के लिए हैं एंड ये काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल हैं। स्टार्टिंग में बच्चे ब्रश नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऐसे अफोर्डेबल लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो ब्रश नहीं करते बट चबाते ज़्यादा है, तो इसीलिए ये भी काफ़ी सस्ते में 50% ऑफ में मिला था मुझे। इसकी प्राइस है 27 में मुझे मिला था एंड MRP है 50 का। ये 50 MRP है एंड 27 में मुझे पड़ा था। तो ये फर्स्ट है। सेकंड उसी से रिलेटेड है, वो था टूथब्रश। ये है चीको ब्रांड का टूथपेस्ट। ये 12+ मंथ बच्चे के लिए है, चीको ब्रांड का है एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। द्विन को ये फ्लेवर मतलब पसंद नहीं आया है उसको, बट फिर भी मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, एवरी डे यूज़ करती हूँ। एंड इसकी एक्सपायरी है 3 ईयर्स की, बट अगर आपने इसको ओपन कर दिया है ना, तो आपको इसको 12 मंथ के अंदर फिनिश करना पड़ेगा। मैं ट्यूब का दिखा देती हूँ कैसा है। इस तरीके का ट्यूब है एंड इसकी MRP है 279 एंड इसकी MRP है 279, बट डिस्काउंट में मुझे पड़ा था 176 में। ये 176 में पड़ा था। ये भी आई थिंक मैंने कुछ 40% ऑफ के ऑफ में लिया था एंड ये उसके साथ फ्री आया था। ये है चीको ब्रांड का ही बेबी लोशन। बहुत छोटा सा पैकेजिंग है, तो पता नहीं चलेगा ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट ठीक है, ये 0+ मंथ के लिए यूज़ होगा। तो ये इसके साथ फ्री आया था, इसके साथ ये फ्री आया था। इसके मैंने रिव्यू देखे थे, काफ़ी अच्छे रिव्यू थे और इसलिए मैंने परचेस किया था, बट ध्विन को जैसे मैंने बोला फ्लेवर पसंद नहीं आया। नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया है वो है एक पज़ल। ये है पज़ल इस तरीके का, अभी तक मैंने भी ओपन नहीं किया है। ये ब्रांड है ओमोचा करके ब्रांड है ओमोचा एंड इस पर लिखा है वार्निंग नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स, बट साइट पे ऐसा लिखा है कि 2 साल से अप जो एज है बच्चे की वो यूज़ कर सकते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर या फिर साइट पे कहाँ गलत लिखा है पता नहीं है। तो ये इस तरीके का कुछ पज़ल है, मैंने भी अभी ओपन नहीं किया है, बट इसकी क्वालिटी मैंने जब देखी ऐसे लाइक पैकेजिंग में ही आया था, मैंने क्वालिटी देखी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना तो थोड़ा सा येल्लो हो गया है, जैसे पुराना होता है तो फिर थोड़ा सा येल्लो हो जाता है ना वाइट कलर, उस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है। अदरवाइज़ ये पज़ल मल्टीपर्पज़ पज़ल है, लाइक यहाँ से आप बच्चे को ऐसे शेप्स सिखा सकते हो। नंबर्स की ये पज़ल है तो नंबर तो बच्चे सीखेंगे ही एंड इसके साथ साथ आप कलर भी सिखा सकते हो। यहाँ से ग्रीन है, यहाँ पर ऑरेंज है, तो ये 3-in-1 है। कलर सिखा सकते हो, शेप सिखा सकते हो, नंबर सिखा काउंटिंग सिखा सकते हो। तो मुझे ये पज़ल काफ़ी पसंद आया था एंड ईजी है बच्चे के लिए ऐसे एक दूसरे के साथ प्लेस करना है, क्योंकि इसका कटिंग वैसा नहीं है। अगर देखोगे कटिंग भी बहुत डिफरेंट है, कुछ कटिंग्स ऐसे रहते हैं ना कि बच्चे को ऊपर से प्लेस करना पड़ता है तब जाके वो दोनों साथ में आते हैं, ये इस तरीके का नहीं है। ये इजीली अगर बच्चे के पास 2 पीस रहेंगे और ऐसे जोड़ दिया ना, तो ये लाइक ईजी हो जाएगा उनके लिए ये लाइक सॉल्व करना। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसकी MRP है 249, बट मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला था तो 140, 50% ऑफ में मिला था, 140 में मुझे ये पड़ा था। क्वालिटी मुझे इसकी ओके लगी, अदरवाइज लाइक पज़ल काफ़ी अच्छी लगी तो इसलिए मैंने रखा है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, मैंने भी अभी नहीं देखा है कैसा है ये। तो ये कुछ इस तरीके की है, बच्चे को ऐसे प्लेस करना रहेगा एंड मतलब
मैंने बोला जैसे मुझे ये अच्छा लगा कि एक ही पजल से तीन चीजें बच्चे लर्न कर सकते हैं, बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। साइट पे ऐसा, वेबसाइट पे ऐसा लिखा है कि ये वुडन है, बट बहुत ही पतला वुड यूज हुआ है। एंड अगर आप पीछे से भी इसकी क्वालिटी देखोगे ना, तो आप देखो ऐसी मतलब क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ऐसी चीजें आपको ओपन करने के बाद ही पता चलती है, एंड अगर आपने ओपन कर लिया है तो उसके बाद आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। तो मैं भी अभी रिटर्न नहीं कर पाऊंगी इसको, बट क्वालिटी नहीं अच्छी है। लाइक 139 में परचेज किया तो फिर भी ठीक है, बट MRP पे आप मतलब MRP पे परचेज करना आई थिंक महंगा है, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। डिस्काउंट पे है तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा। तो ये इस तरीके की है, बाकी की भी मैं आपको दिखा दूंगी, वीडियो अटैच कर दूंगी। तो ये सारे पीसेस हैं ऐसे, पर यहाँ के जो कटिंग्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है हर एक में। ये देखो ये 4 है तो डिफरेंट कटिंग है, ये हर एक के अलग अलग कटिंग्स है। और कुछ येलो भी है, जैसे ये जो डक वाला है, तो ये यहाँ से भी क्वालिटी आप देख सकते हो नहीं अच्छी है। ये बात बताना रह गया था कि ये ना ऐसे जिप लॉक में आया था, तो लाइक ओपन करने के बाद ऐसे रख सकते हो आप, तो अच्छा है, सारी पजल इसके अंदर प्लेस होके रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है वो है, मैंने डायपर मंगवाया था, ये है पैम्पर्स का डायपर, अभी मैंने ओपन नहीं किया है। पैम्पर्स का जो रेगुलर डायपर है वो ही है इसके अंदर, 64 NL साइज में मंगवाया था। प्राइस है इसकी, प्राइस है 643, मुझे 643 में पड़ा था, एंड इसकी MRP कुछ 1000 के आसपास रहती है। तो ये भी मुझे 50% ऑफ में मिला था। ये पैम्पर के डायपर का रिव्यू मैंने ऑलरेडी करके रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि मुझे अभी तो मैं यही डायपर यूज़ करती हूँ दिन पे, तो मुझे ये डायपर पसंद है, तो मैं हमेशा लाइक बैकअप इसका रखती हूँ हमेशा। जब भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है मैं, और डायपर पे मिल जाते हैं आपको 50% ऑफ मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वो है ये पजल है, ये भी 1 to 20 तक है नंबर पजल है, वुडन की है एंड बेबी हग ब्रांड की है। ये ब्रांड मुझे काफी पसंद है, इवन क्लोथ्स हो, शूज हो, टॉयज हो, कोई भी चीजें हैं मैं इसकी हमेशा ट्राई करती हूँ और मुझे हमेशा पसंद आती है। लाइक 80% प्रोडक्ट्स जो है मुझे बेबी हग ब्रांड की पसंद आती है, तो मैं हमेशा टॉयज भी परचेस करती हूँ ना, तो एक बार ये ब्रांड को मैं हमेशा चेकआउट करती हूँ। तो ये ऐसी तरह से आई थी ऐसी पैकेजिंग में, एंड इसका जो वुड है वो भी काफी अच्छा है। ये देखिए ये काफी थिक है वुड, और ऑलरेडी मेरे पास व्हीकल्स की जो पजल है वो है, क्योंकि द्वेन अभी सितंबर में ये 2 साल का होगा, तो उसके बाद ये यूज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी मैं उसको नहीं दे रही हूँ, तो अभी मैंने ओपन भी नहीं किया। 2 साल जब वो उसका हो जाएगा तब मैं उसको ये लाइक दूंगी यूज करने के लिए। ये ऐसे प्लेन है वैसे पजल, मैं अभी इसके ऊपर ना एक और कवर आया था ऐसे, तो इसको ओपन कर देती हूँ मैं और फिर दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की है, वुडन की है, एंड मटेरियल सेम है जैसा मेरे पास पहले थी, उसी टाइप का ही इसका मटेरियल है। यहाँ पर ना स्टिकर देते हैं, ये स्टिकर रहता है, तो थोड़ा सा जैसे जैसे यूज होता है ना वैसे ये स्टिकर थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगता है, बट अदरवाइज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बट ये मुझे थोड़ा सा साइज स्मॉल है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 11 है तो यहाँ पर 11 स्ट्रॉबेरीज बनी है, तो काउंटिंग के लिए, बट बच्चे के लिए आई थिंक छोटी है, लाइक जो इमेज है ना वो छोटी है काउंट करने के लिए शुरू में, तो स्पेशली जब उनको नहीं आता है। तो द्वेन को अभी 1 से 3 तो आते हैं, अभी 2 साल का नहीं हुआ है, बट 1, 2, 3 उसको आते हैं। बाकी के सिखाने के लिए ही मैंने ये पजल परचेज की है, बट अभी मैं नहीं दूंगी उसको, मैंने 2 साल के बाद ही देना है, क्योंकि अभी वो लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की है, तब देख सकते हो हर एक के अंदर कोई एक फ्रूट बना है, आई थिंक फ्रूट के पिक्चर्स हैं, ये ऑरेंज है, तो इस तरीके के हैं, एंड कलर्स भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो वो भी इसी टॉय से आप सिखा सकते हो बच्चे को ऐसे। तो पीछे तो हमेशा ऐसे आई थिंक फ्रूट्स की है, फ्रूट्स ही बने हैं, तो फ्रूट्स भी सिखा सकते हो बच्चे को। तो ये मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, बेबी हग ब्रांड के पजल की क्वालिटी बेस्ट रहती है। दूसरे ब्रांड की मैंने अभी इतने सारे ब्रांड ट्राई नहीं किए हैं, बट ये जो किया है ना वो मुझे लाइक पसंद आता है।
तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसकी प्राइस है, मैंने जो मुझे डिस्काउंट में मिला था 191 में मुझे मिला था, एंड इसके एमआरपी है 325 रुपीज़। ये सारी जो पजल्स हैं ना, 2 साल के बाद बच्चे यूज़ कर पाएंगे, उससे पहले वो लर्न नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे की एज 2 साल से ऊपर है ना, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट उसी तरीके की ही पजल है, ये है ABCD अल्फाबेट्स की पजल है। ये जो साइज है ना, वो बड़ा लग रहा है, काउंटिंग में मुझे छोटा था उसका साइज। ये देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें ना लाइक स्पेस कम है, हर कैरेक्टर के बीच में ना स्पेस कम है और उसमें ना स्पेस ज़्यादा थी। तो ये भी कुछ इसी तरीके की है, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है तो ओपन करके दिखा देती हूँ। इसकी प्राइस भी 325 ही है MRP, और मुझे आई थिंक उतने में ही पड़ी थी। हाँ, ये 210 में मुझे पड़े थे, 210, एंड MRP भी आई थिंक 325 ही है। मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कैसी है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की है, अगेन काफ़ी कलरफुल है, और यहाँ पर ए फॉर एप्पल, ऐसे यहाँ पर इमेज भी है ए फॉर एप्पल, तो बच्चे को पता चलेगा कि ए फॉर एप्पल, वैसे ही बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट ऐसे लगाना रहेगा। तो ये अगेन बेबी हग ब्रांड की है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। दूसरे भी ब्रांड मिल जाते हैं इस तरीके की पजल में, आई थिंक अनिंदिता ऐसा करके कुछ ब्रांड है, वो भी उसके टॉयज भी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं जब मैं देखती हूँ ना, तब वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो ऐसी। तो हर एक वर्ड और साइज भी लाइक डिसेंट साइज है इसका, नहीं बड़ा है नहीं छोटा है। तो अगेन जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ पे स्टिकर आता है, तो जैसे जैसे यूज करोगे ना, तो हल्का हल्का सा निकलने लगेगा, मतलब इतना जल्दी भी नहीं निकलता है, टाइम लगता है बट थोड़ा सा निकलने लगता है। ये पता नहीं ऐसी पैकेजिंग ऐसी थी ना, तो यहाँ से थोड़ा सा निकल के आया है ये, फिर भी ठीक है। इसकी क्वालिटी मतलब वुड जो है काफ़ी अच्छा है, बच्चे ब्रेक नहीं करेंगे, एंड जब भी यूज़ नहीं करना है ना, तो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, तो आप इसके अंदर ऐसे डाल सकते हो, लाइक जब भी यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप ऐसे इसको रख सकते हो, तो सारे जो पीसेस हैं ना ऐसे एक साथ रहेंगे, अच्छी पैकेजिंग के साथ भी आता है। तो इस तरीके की पजल ना बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, एंड उनकी जो ग्रिप है और लर्निंग टॉय है, तो हमेशा मैं लर्निंग टॉय बहुत ज़्यादा ही परचेज करती हूँ ट्विन के लिए, स्पेशली पजल्स परचेज करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो है वो अगेन बेबी हग ब्रांड की है। फर्स्ट टाइम मैं जो उसकी ना सीपर बॉटल मैंने ऑलरेडी परचेस की है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ। ये सीपर बॉटल की मैं बात कर रही थी, इस तरीके की मैंने परचेस की थी, बट काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा अभी मैं ना दूसरी बॉटल परचेस करती हूँ, एंड अभी इसको ना रिप्लेस कर देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक है तो थोड़े टाइम बाद आपको चेंज कर देना चाहिए। तो इस बार मैंने उसके लिए ना स्टील की बॉटल मंगवाई, इसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है, अगर आपको चेक करना है तो आई बटन पे मैं डाल दूंगी। तो इसको ना मैंने सोचा चलो इस बार स्टील की बॉटल ट्राई करती हूँ, और मैंने बेबी हग ब्रांड में इतनी ज़्यादा लाइक वैरायटी नहीं थी, 2-3 ऑप्शन ही थे मेरे पास, बट मुझे इसके डिज़ाइन वगैरह काफ़ी पसंद आए, तो इसका मैं ना सेपरेट रिव्यू करूँगी, अभी यूज़ भी नहीं किया है। तो ये जो है 6 मंथ प्लस के जो बच्चे हैं वो यूज़ कर पाएंगे, और इसमें एक पिंक कलर था एंड एक इस तरीके का कलर था। तो ये कुछ इस तरीके की है, यहाँ पर बेबी हग लिखा है, यहाँ पर डायनासोर है, एंड यहाँ पर कार है, एंड यहाँ पर लिखा है गो गो, येलो कलर, कलर भी काफ़ी प्यारा है, मतलब मुझे देख के कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर ऐसे आप होल्ड करके भी ले जा सकते हो कहीं पर भी, एंड ऐसे ओपन होता है, लीक प्रूफ है ये बॉटल, एंड आप ये देख सकते हो स्टील का है, यहाँ पर स्ट्रो है, एंड यहाँ पर उसको बाद में अच्छे से वॉश करके फिर इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, एंड रिव्यू भी मैं डाल दूँगी। और आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे बटन है,
तो ऐसे ये सिपर ओपन होगा और जब यूज नहीं कर रहे हो तो इसको आपको इसको दबा के ऐसे क्लोज कर देना है ऐसा। तो प्राइस मैंने बाहर भी देखी थी ना लाइक शॉप में वगैरह में स्टील की बॉटल की, तो वो 700 के आसपास तो थी एमआरपी। तो इसकी एमआरपी भी उतनी ही आई थिंक 625 के आसपास कुछ एमआरपी है, 645 एमआरपी है, बट मुझे ये डिस्काउंट में पड़ी थी 407 रुपीज के आसपास पड़ी थी। लास्ट आइटम बची है वो अभी मेरे पास नहीं है बट मैं वीडियो डाल दूंगी। तो वो मैंने मंगवाई थी, टी शर्ट का सेट है ध्वीन के लिए, 18 से 24 मंथ बच्चे के लिए आप ले सकते हो। डॉक्टर स्लीव ऐसी उसकी पैटर्न थी, फुल स्लीव की टी शर्ट है एंड ऑरेंज कलर है। दो टी शर्ट है जिसमें ऑरेंज कलर है एंड एक टी शर्ट है जिसमें ब्लू कलर है। ब्लू कलर है वो उसमें पैंडा की प्रिंट है, एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट है उसमें भी पैंडा बना है एंड एक दूसरी है उसमें लाइनिंग है। तो तीनों टी शर्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगेन बेबी हग ब्रांड की है, एमआरपी है और रेगुलर वेयर के लिए मैंने परचेज की थी। तो उसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है। हाँ, उसकी एमआरपी है 799 और अगेन मुझे 50% ऑफ में मिली थी, तो 490 रुपीज़ के आसपास मिली थी मुझे ये। ये कुछ इस तरीके की है, ये ऐसी है ये, तो ये काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी एंड अगेन ये बेबी हग ब्रांड की है। तो यही सारी आइटम्स थी जो मैंने परचेज की है। फ्यूचर में भी मैं बहुत सारी आइटम्स परचेज करूंगी क्योंकि ट्वेन का सेकंड बर्थडे आने वाला है सितंबर में, तो मैं जो भी चीज़ें उसके लिए परचेज करूंगी मैं वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।